कि आज तक मुझे पढ़ाने में, हम दोनों भाइयों को पढ़ाने में मेरे पापा ने 12 लाख रुपए का कर्जा लिया था। उस टाइम में अगर मैं इंजीनियरिंग से जॉब करूं तो 10,000-15,000 जिस जॉब से सिर्फ मैं ब्याज दे सकता था। तो उस दिन मैंने पापा को एक ही बात बोली, सिर्फ 2 साल दे दो मुझे, 2 साल दे दो मुझे, 2 साल के बाद आपको दिखा दूंगा कि टीमेस क्या चीज है। और आज इस दिवाली पे सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ, आज तक का 2 लाख का चेक मैं मेरे पापा को गिफ्ट कर। अब एक ऐसे इंसान को मैं माइक देना चाहूंगा जिसका लेवल कम है लेकिन बड़े बड़े जो लेवल वाले दिग्गज है ना, उसके पैर इसके नाम से ही कांपते हैं। द कैप्टन ऑफ स्पार्टन रसांकोर। आंधियों में भी आसियाना बनाएंगे हम, और एक उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाएंगे हम। अरे मंदिर में तो हर कोई दिया जलाता है, पर हर घर में टिमेक्स की जोत जलाएंगे हम। नाम है अर्शांक पटेल, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा ड्रीम लेवल हुआ करता है हर एक टिमेक्सन का, कि जिस दिन शुरुआत करता है हर पल सोचता है कि मैं रॉयल्टी होल्डर बनूं। आज वो चीज अचीव की है, तो मैं कुछ बातें मेरी पर्सनल शेयर करना चाहूंगा कि क्या चीज थी, क्या एक मेरे पीछे आग थी जिनकी वजह से आज मैं टिमेक्स में इस लेवल पर पहुंचा हूं या तो टिमेक्स में वर्क कर रहा हूं। तो मैं मेरी बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। पापा खेती करते हैं तो हर वक्त पैसों की जरूरत हुआ करती थी, हर वक्त पैसे की बातें सुनाई जाती थी। तो एक बात दिल में सोच रखी थी जब छोटा था तब, कि अपनी फैमिली को आगे ले जाना है। एक फैमिली कंडीशन मुझे सुधारनी है अपनी, जो भी आज हो रहा है वो सारी की सारी चीज मुझे सुधारनी है। तो वो करने के लिए मैं अपने से छोटे से दिमाग में तब सोचता रहता था। तब रिलेटिव उन सब की ओर से एक सजेशन मिलता रहता था कि बेचे अच्छे से पढ़ाई कर ले, पढ़ाई के बाद एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, जिस जॉब में से तेरे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। 10th की एग्ज़ाम पास आउट की 77% के साथ। उस एग्ज़ाम के बाद मैं साइंस करना चाहता था। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे सजेशन देना स्टार्ट किया कि भाई कॉमर्स कर ले, कॉमर्स में भी वाइट कॉलर जॉब मिल जाती है, कॉमर्स में भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। मैंने उन लोगों की नहीं सुनी और कुछ अलग करना चाहा कि अपनी कैपेसिटी अगर कॉमर्स की है तो फिर भी हम साइंस करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि कॉमर्स कर, पर फिर भी हम साइंस करते हैं और कैपेसिटी को अलग अलग रिस्क लेते हैं, एक बार करके देखते। साइंस किया, साइंस में फैमिली को जो आशा थी कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, वो चीज़ उनको तब ला के दिखा दी। 84% के साथ साइंस पास आउट किया मैंने। उसके बाद साइंस करने के बाद थोड़े ओल्ड लेवल के, अलग लेवल के लोग मुझे कहने आने लगे कि भाई इंजीनियरिंग मत कर, बीएससी कर ले, या तो और भी बहुत सारी स्ट्रीम है उनमें चला जा, ऐसी सारी की सारी। क्योंकि फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि पैसे नहीं थे जो इंजीनियरिंग की फीस भर सके अच्छी वाली, तो इंजीनियरिंग करने के लिए लोग मना करते थे। फिर भी मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, क्योंकि हर बार जो लोग बोलते थे उससे उल्टा करने की आदत पड़ चुकी थी, कि जो बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता वही चीज़ अब करके दिखानी थी। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, पर तब क्या होता था कि थोड़ा अंदर था कुछ रियलिटी पता नहीं थी इंजीनियरिंग की, कि भाई इंजीनियरिंग कैसे भी कर लो, कितनी भी अच्छी कर लो, 7,000 या 11,000 उससे ज़्यादा नहीं मिलता एक मंथ का फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई इंजीनियरिंग में से कुछ होने वाला नहीं है। उसी वक्त मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर मुझे एक इंसान ने टिमेक्स का प्रेजेंटेशन दिखाया। तब मुझे लगने लगा कि अब मेरे सपने साकार होने की ओर आ गए, अब मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो मैंने टिमेक्स की शुरुआत की। टिमेक्स की जैसे ही शुरुआत की थी, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था टिमेक्स कर रहा था, फैमिली में भी पता चला था कि भाई थोड़ा अर्निंग किया है 10,000-15,000 जितना। उसके बाद जैसे ही पापा को एक बात पता चली, तो पापा ने मुझे उनके कुछ पर्सनल बातें थी जो उस टाइम पे शेयर की, कि उनको लगा कि अब ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो उस टाइम पे पहली बार एक बात शेयर की कि आज तक मुझे पढ़ाने में, हम दोनों भाइयों को पढ़ाने में मेरे पापा ने 12 लाख रुपए का कर्जा लिया था। वो 12 लाख का अगर कर्जा चुकाने की बात तो फिर बात की है, पर अगर मूल की बात तो बात की है, पर अगर ब्याज देखे ना तो ब्याज भी 1 साल का 1.5 लाख आता है। उस टाइम में अगर मैं इंजीनियरिंग से जॉब करूं तो 10,000-15,000 जिस जॉब से सिर्फ मैं ब्याज दे सकता था। मूल बात की तो मूल पैसे की तो बात ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में कर रहा था तो पापा बोले ये कर, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद टीमेक्स ट्राई करना। तो उस दिन मैंने पापा को एक ही बात बोली, सिर्फ 2 साल दे दो मुझे, 2 साल दे दो मुझे, 2 साल के बाद आपको दिखा दूंगा कि टीमेक्स क्या चीज़ है।
और आज इस दिवाली पे सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ, आज तक का 2 लाख का चेक मैं मेरे पापा को गिफ्ट कर। लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे साथ हर बार भगवान ने बुरा किया, मुझे भगवान ने हर बार बुरा ही दिया, मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भगवान जब सब कुछ अच्छा हो रहा था तब आप क्यों भगवान को नहीं बोल रहे कि आज भगवान मेरे साथ ही क्यों अच्छा कर रहा है। जब बुरा होता है तभी हम भगवान को बोलते हैं कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। हर एक इंसान सोचता है कि मेरे हाथ में किस्मत की लकीर नहीं है, मेरे हाथों में नसीब की लकीर नहीं है। मैं इस बातों में नहीं मानता कि किस्मत की लकीर हो ना हो, ठीक है। फिर भी अगर एक बार मानकर देखे कि आप लोग बोल रहे हो कि किस्मत में नहीं है, हाथों की लकीरों में नहीं है, तो अगर मान ले कि हाथों की लकीरों में नहीं है, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ, आपके हाथों में एक ऐसी लकीर थमाने जा रहा हूँ कि जो आपकी किस्मत बदल के रख लेगी। और लकीर है नन अदर ओनली टिमेक्स लिटिल लिमिटेड। जो आपकी किस्मत बदल के रख देगी। मैंने ये चीज़ क्यों शुरुआत की, क्योंकि रिस्क लेने की आदत पड़ चुकी थी, पर एक बार मुझे जो चीज़ एग्जाम्पल दिया गया कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक जॉब स्टार्ट कर, वो एग्जाम्पल मैं बदलना चाहता था कि मेरे गांव में आज के बाद अगर मेरे जैसा सोच वाला कोई बंदा हो और उसको अगर एग्जाम्पल देना हो तो ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए कि बेटा जीवन में चाहे कुछ भी तकलीफ आ जाए पर अपने आप को मक्कम रखना, अपने आप पर भरोसा रखना, तो हर तकलीफ सॉल्व हो जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मैंने इस चीज़ की शुरुआत की। किस्मत पे जो भरोसा करने वाले हैं उन लोगों को एक ही बात करना कहना चाहूँगा कि आपकी किस्मत आपको लाइफ में बहुत सारे मौके देगी, पर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। और लास्ट में जो भी बेस्ट टीम कंपटीशन चल रही थी, तो बेस्ट टीम के बारे में कहना चाहूँगा कि हारी ने बैठो छू थकी ने नहीं, बाजी गई से जिंदगी नहीं। स्पार्टन की सिर्फ छोटी सी झलक थी, आज यहाँ बेस्ट टीम खत्म नहीं होती, पर स्पार्टन की बेस्ट टीम आज यहाँ से शुरू होती है।